हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आए हैं वानी मोटर्स, होंडा, जो होंडा का शोरूम है नियर एसएसपी ऑफिस मैत्रा रामबन। और आज हम आपको बताएंगे कि एक्टिवा 125 पे फर्स्ट सर्विस पे कितना हो सकता है खर्चा। एक्टिवा 125 की फर्स्ट सर्विस हो रही है और यहाँ पे जो मैकेनिक शबीर है वो एक्टिवा 125 की फर्स्ट सर्विस कर। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी आपको वानी मोटर्स के वर्कशॉप मैनेजर से मिलाता हूँ और उनसे हम बातचीत करते हैं और उनसे हम पूछते हैं कि होंडा 125 एक्टिवा का कितना खर्चा आ सकता है उनकी पहली सर में। तो सर, आपका हम वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप हमें बता सकते हैं कि सर, जो होंडा एक्टिवा 125 है तो उसका फर्स्ट सर्विस में कितना खर्चा आ सकता है, सर आप हमें बता सकते हैं, और क्या क्या आप उसमें चेंज करते हैं फर्स्ट सर्विस में? सर देखिए, ऐसा है, जो होंडा की एक्टिवा 125 cc है जिसकी जो फर्स्ट सर्विस है वो आपकी डी होती है फ्रॉम द वन मंथ डेट ऑफ परचेज और किलोमीटर 750 विच एवर अकर अर्लियर, जो पहले आ जाए। इसमें क्या होता है कि इसमें हम गाड़ी की सर्विस करते हैं, ऑयल चेंज करते हैं और जो गेयरबॉक्स का ऑयल है उसको चेक करते हैं, अगर तो चेंज करना तो चेंज करते हैं। और अगर हम खर्चे की बात करें, इसमें खर्चा आता है आपका 475। इसमें एक ऑयल पड़ता है, इंजन ऑयल, जिसका कॉस्ट 270 rupees है, और जो ग्रेड है ऑयल का, दैट इज 5W30। उसके बाद क्या होता है कि एक पड़ता है आपका एडिटिव ऑयल, दोनों पड़ते हैं इंजन में जी। इस ऑयल का काम यह है कि अगर गर्मी में गाड़ी गर्म है आपकी, जो आपकी गाड़ी की जो इंजन की टेम्परेचर है ये उसको कॉन्स्टेंट करता है। और सर्दी की बात करें तो ये सर्दी में आपको ऑयल की तरह फ्रीजिंग होने देता है, तो दोनों ऑयल इकट्ठे करके इंजन में डाल देते हैं जी। सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन। तो चलिए हम आपको कस्टमर से मिलाते हैं एक्टिवा 125, तो इन्हीं से पूछते हैं इनको वानी मोटर्स में कैसी सर्विस लगी इनकी, जो फर्स्ट सर्विस हुई है एक्टिवा 125। तो सर, आप हमें बताएंगे कि आपकी फर्स्ट सर्विस का कितना खर्चा आया है? सर, ये 475 में हुई पहली सर्विस जो है। हाँ जी, तो आपको फीडबैक देना चाहते हो तो कैसी सर्विस हुई, आपको कैसा लगता है कि यहाँ पे कैसी सर्विस होती है होंडा ये का जो शोरूम है वानी मोटर्स? सर, सर्विस तो अच्छी हुई है। आप संतुष्ट हैं सर्विस से? बिल्कुल सर। ठीक है सर, थैंक यू सर अपना फीडबैक देने के लिए। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।